हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इस समय क्या चल रहा है, कौन कौन से काम जो हैं वो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हो चुके हैं और कौन कौन से जो काम है वो अभी तक कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नहीं हुए हैं। और दोस्तों, साथ में ये बताएंगे कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर जो मंदिर है यानी कि NH-28 पर, वहाँ तक जो 4 लेन बन रहा है उसका क्या अपडेट है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो 4 लेन बन रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप कस्तिया से कभी कुशीनगर गए होंगे तो जो गोरखपुर वाला रोड है, जब जाकर हाईवे पर मिलता है तो वहीं पर आकर जो है एयरपोर्ट का जो रोड है वहीं पर आकर मिल रहा है, यानी कि जहाँ पर हिरणावती नदी आकर बहती है कस्या से, जब हाईवे जब गुजरती है तो वहीं पर आकर जो है वो 4 लेन मिल रहा है। और उसकी जो लेंथ है वो 2 लेंथ है, और एक तरफ से गाड़ी आएगी और दूसरे तरफ से जाएगी। और उस पर जो काम की बात करें तो उस पर जो है वो गिट्टी भर दिया गया है और उसको रोलर के द्वारा अब जो है बैठाया जा रहा है, और जहाँ जहाँ पर पुलिया की आवश्यकता है वहाँ पर पुलिया भी बनाया जा रहा है। तो ये रहा जो है जो सड़क बने उसका अपडेट। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते ही कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक विमान उतरा था जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल से आया था और जो रनवे है वहाँ पर आया, लेकिन वहाँ पर जितने भी उसके अंदर जो लोग थे वो हालांकि बाहर नहीं आए, लेकिन फिर से 15 मिनट वहाँ पर घूमने के बाद वो सीधे ऊपर उड़ गए, ठीक है। और उन्होंने जो है वो कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए हरी झंडी दिखा दी है, यानी कि इसका मतलब ये है कि कुशीनगर जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो अब शुरू होने के कगार पर आ गया है। लेकिन अब भी सवाल है कि क्या कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इस माह में शुरू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगले माह में शुरू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो इस माह में शुरू होगा, अगले माह में शुरू होगा, अगले वर्ष शुरू होगा, लेकिन अभी तक कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है शुरू नहीं हुआ है। अब यहाँ पर चिंता ये बनी है कि क्या इस वर्ष या फिर अगले 2 महीने के अंदर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि कुशीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं AK द्विवेदी, उन्होंने बताया है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कभी भी उड़ान किया जा सकता है, जब भी सरकार चाहे तब कुशीनगर एयरपोर्ट को शुरू कर सकती है। अब यहाँ पर यह है कि अगर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू हो जाता है तो जितने भी लोग सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, दुबई इन सभी देशों में रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा फायदा हो जाएगा। जो कि वो दिल्ली या फिर लखनऊ आते हैं तो अगर कुशीनगर एयरपोर्ट शुरू हो जाता है तो वो सीधे कुशीनगर एयरपोर्ट पर आ जाएंगे। और दोस्तों, कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो अगले महीने शुरू होने को हो सकता है। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जो टिकट बुक है वो हो रहा है, तो ये सब गलत है। कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए भी कोई भी टिकट बुक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, यही था आज का अपडेट। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।